हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लूफी इनू टोकन के बारे में। लूफी इनू टोकन कब तक पंप हो सकता है एंड इसके कुछ न्यू अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले इसकी करंट वैल्यू की बात की जाए तो 0.90 के बाद $3,299 चल रही है। 28.88% का इसमें ग्रोथ हो चुका है, लेकिन लूफी इनू टोकन अपने ऑल टाइम हाई से 400% डाउन है। लूफी इनू टोकन के 72.5 के ट्विटर फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लूफी टोकन ऑफिशियल की तरफ से 21 घंटे पहले ट्वीट किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि 25 जून को ये एक इवेंट रखने जा रहे हैं जो टोक्यो लव होटल्स के अंदर होगा, जो काफ़ी बड़ा इवेंट है एंड 25 जून को आपको थोड़ा सा पंप इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में लूफी टोकन ऑफिशियल की तरफ से 10 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर इनका $50 मिलियन का मार्केट कैप हो जाता है तो ये एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट करेंगे और ये इसी मंथ में होगा, तो इसी मंथ में एक अनाउंसमेंट और देखने को मिल सकती है। साथ ही में 30 जून को इनका 1% सप्लाई बर्निंग की जाएगी। लूफी टोकन ऑफिशियल की तरफ से 11 घंटे पहले एक और ट्वीट किया गया था, जिसमें बिटट्रू एक्सचेंज पर अगर आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, यानी कि बिटट्रू एक्सचेंज के जरिए आप लूफी टोकन को बाय करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 10 ट्रिलियन तक कॉइन आपके वॉलेट में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 10 ट्रिलियन कॉइन आपको फ्री में मिल सकते हैं। अगर साथ ही मैं आपको बता दूं कि लूफी टोकन अभी फ़िलहाल पंप नहीं हो सकता, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। बिटकॉइन की प्राइस 17 लाख रुपए ही रह गई है। बड़े ट्रेडर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि ये अभी और ज़्यादा डाउन आएगा, तो लूफी इनू टोकन इस मंथ और अगले मंथ 3-4 मंथ तक पंप नहीं हो सकता। इसमें बीच में थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा पंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन डाउन जाता है तो सभी क्रिप्टो करेंसी डाउन जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।